हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी तो बकचोदी हमारा के। एपिसोड नंबर 1 डॉक्टर स्टोन सीजन 3 का कुछ इस तरह से शुरू होता है कि अपने जो करेक्टर है इसमें, जो कि क्रोम यूजीरो ताइजुओकी, ये हमारे गांव वालों को मतलब बैक स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे अपने सेंकू ने यहाँ पे सारा ये सिविलाइजेशन कैसे शुरू की और क्या हुआ था पहले, कि एक लाइट आई, उस लाइट ने हम सबको पत्थर में तब्दील कर दिया। बट सबसे पहले सेंकू मतलब बाहर आया इससे, और सेंकू ने मतलब यही 1 2 3 तक काउंटिंग की कि कितने सालों तक हम कैद रहे हैं। और सेंकू ने उसके बाद ये सब कुछ शुरू किया, उसने ही मतलब फिर से साइंस का इस्तेमाल करके सब चीज़ों को बनाना फिर से शुरू किया। इसके बाद ये लोग यहाँ पे बाकी सब उन गांव वालों को बताते हैं क्रोम कि मतलब अब हमारी मिस्ट्री सबसे बड़ी यही है, मतलब हमारा अगला चैलेंज ये है कि हमने इस प्लेनेट के दूसरी साइड जाना है। तो हम दूसरी साइड कैसे जाएंगे, हमें बोट बनानी पड़ेगी। तो वो ये स्टोरी सुना के इन सबको मतलब मोटिवेट करना चाहते हैं कि तुम सब हमारी हेल्प करो ताकि हम दूसरी साइड जा सकें बोट बना के और अर्थ को एक्सप्लोर कर सकें और ज़्यादा। और उसके बाद अपना गैन साबी गांव वालों को इकट्ठा करके वहाँ पे वो बोलता है कि अब हमारे तीनों जो मतलब गांव के वासी हैं, सेंकू और अपना मैग्मा और एक और करेक्टर होता है हमारा इसमें योवी, और मतलब अपना गैन बोलता है कि अब तीनों ये हमारे अपने आइडियाज़ बताएंगे कि हम शिप कैसे कैसे बनाएंगे। तो पहले अपना योवी बड़ा खुश होता है कि हाँ मैं मतलब वो चप्पू सी वाली शिप बनाऊंगा और जिससे कि मतलब हम सब दूसरी साइड पर जाएंगे। बट तभी मैग्मा अपना वहाँ पे ब्लूप्रिंट दिखाता है, तो जिसको देख के कि अपने सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। बट उसके बाद अपना सेंकू अपना मेन अपना ब्लूप्रिंट दिखाता है, जिसको देख के सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। और जो अपने इसमें ओल्ड एज बंदा होता है एक, जिसका नाम होता है कैसे कि बूढ़ा, छोटी सी हाइट का जो बूढ़ा होता है, वो मतलब वही मेन एक तरह से कारीगर है जो कि मतलब सारा कुछ इनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। तो वो बंदा इस चीज़ को, शिप को देख के, उसके ब्लूप्रिंट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैं इसको बहुत जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। और उसके बाद ये सब शिप बनाने का काम शुरू कर देते हैं। बट उसके बाद आगे एक और मुसीबत आती है। अब इनको इस बोट को चलाने के लिए एक मतलब कैप्टन चाहिए जो कि मतलब इनकी बोट को चलाएगा, मतलब जो बोट का कैप्टन होगा। तो इसके लिए सेंकू अपने दूसरी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मीना मानी होकोसाई, जो कि मतलब इससे पहले जो करेक्टर होते हैं पिछले सीजन्स में जिसके साथ अपना सेंकू लड़ता है, मतलब सुकासा शिशुशोई जिसके साथ अपना सेंकू लड़के ये सारी जगह जीतता है। तो वो उसको बताती है कि किसको रिवाइव करना है किसको नहीं करना है। तो उसके बाद अपना सेंकू इसको बोलता है कि अब तुम मेरे को एक ऐसा करेक्टर मतलब एक ऐसे बंदे के बारे में बताओ जिसको कि मैं रिवाइव करूँ और जो कि एक बहुत ही अच्छा कैप्टन हो। तो उसके बाद मीना मानी सेंकू को अपने एक ऐसे बंदे के सामने लेके जाती है जिसका नाम होता है रियुसुई ननामी, जिसके ऊपर की ये सारा सीजन ही बेस्ड है। इस सीजन का नाम ही यही है, डॉक्टर स्टोन रियुसुई। तो वो उसके बाद उसको लेके जाती है, तो वो बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिच है और इसने बहुत ही बचपन से ही बोट्स को सेल करना शुरू कर दिया था। और इस बंदे के पास एरोगेंट भी बड़ा ज़्यादा है, मतलब जहाँ इसके पास क्वालिटीज़ हैं तो वहीं इसके थोड़ी सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से टाइप का भी है, मतलब ये बंदा थोड़ा सा एरोगेंट है और इसको पैसा 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 बहुत चाहिए। तो उस बट तभी अपना सेंकू ये सुन के कि इसके पास कैप्टन की पूरी A to Z क्वालिटीज़ है, तो वो इसको रिवाइव कर देता है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। और उसके बाद आता अपना ओपनिंग सॉन्ग। ओपनिंग सॉन्ग को दम होते ही जो अपना करेक्टर होता है रियुसुई वो रिवाइव हो जाता है, और रिवाइव होते ही वो अपनी मतलब ऐसे चुटकी सी मारता है और बोलता है कि मेरा बटलर कहाँ पे, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता क्योंकि फिर वो एकदम से आइडिया लगाता है कि अच्छा हम जो सिविलाइजेशन वो एक्सटिंक्ट हो गया है, सभी ह्यूमंस स्टोन बन चुके हैं, बट मेरे को तुम लोगों ने रिवाइव किया था तो मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल करता हूँ। और उसके बाद उसके क्वेश्चन उठ जाता है कि हाँ ये अच्छा कैप्टन है भी है कि नहीं है। तो उसके बाद वो बंदा अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, उसको वेदर के बारे में बता देता है। तभी बंदा खड़ा खड़ा कि अभी 14 डिग्री टेम्परेचर हाई हो गया है और दूसरी तरफ से ये विंड फ्लो कर रही है जो कि आप वीडियो में भी देखते हो, और बस थोड़ी देर में ही तूफान आने वाला है। और वैसे ही होता है, वहाँ पर तूफान आ जाता है। और उसके बाद ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं से सेंकू को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सही है। और उसके बाद अपना रियुसुई अपने सेंकू को बोलता है कि हम बोट तो बना लेंगे बट बोट को चलाने के लिए जो कि हमें फ्यूल चाहिए वो हमें एक प्रॉपर फ्यूल चाहिए ताकि हम दूसरी तरफ पहुंच सके, मेरे को ये कोयले से नहीं तुम कभी भी पहुंच पाओगे दूसरी तरफ। तो उसके बाद अपना सेंकू बोलता है प्रॉपर फ्यूल तो सिर्फ एक ही है जो मदर ऑफ फ्यूल है, वो है कि अपना ऑयल, पेट्रोलियम एक तरह से आप बोल सकते हो। तो उसके बाद अपना सेंकू बोलता है कि ठीक है अब हम एक
ऑयल प्लांट लगाएंगे कि जहाँ से हम ऑयल बाहर निकालेंगे। तो ये सुनकर अपने सारे जो बाकी साथ वाले होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है क्रोम वगैरह, और जो गैन होता है वो भी। और उसके बाद अपना रियूसी अपने शेंकू के साथ एक डील करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसी वजह से करूँगा अगर जो तुम ऑयल माइन लगाओगे तो वो सारी की सारी मेरी होगी। तो शेंकू इस बात को लेके एग्री कर जाता है कि ठीक है, वो सारी की सारी ऑयल तुम्हारा होगा और तुम हमें उसको बेच सकते हो। उसके बाद ये बंदा अपनी करेंसी चला देता है। भाई साहब अपनी करेंसी चलाते ही क्या करता है कि उसकी करेंसी को छापने लग जाता है। ये अपनी करेंसी को छापता है और बंदा देखते देखते बड़ा ही ज़्यादा अमीर हो जाता है, जिसको देख के अपने जो बाकी साथ वाले होते हैं वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, यो वगैरह, कि ये भाई साहब इस बंदे ने आते ही बिजनेस भी शुरू कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि वो यो अपना अपने रियोसुई को बोलता है कि अच्छा तो तुम इस करेंसी का करोगे क्या, यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारे पास ही ये करेंसी है और इस करेंसी का मतलब तुम बेचोगे कहाँ से, क्या ही लोगे। बट तब भी वहाँ पे रियोसुई बताता है कि तुम अपनी दूसरी साइड देखो। और दूसरी साइड क्या होता है, एक मार्केट ट्राइब सी खुली होती है जहाँ कि तुम्हें रैमन वगैरह का कुछ भी चाहिए तो तुम्हें उस पैसे से लेने पड़ेंगे जो कि अपने रियोसुई ने चलाए हैं। तो उसके बाद ये सुन के अपना यू यू से वो $100 ले लेता है ड्रैगो, जिसका कि उसकी करेंसी का नाम होता है। और वो दूसरी तरफ वो स्टॉल्स वगैरह इसलिए उन्होंने उसकी लगाई होती हैं पैसों की, ताकि जब हम शिप बना लें तो जो ये ऑयल ढूंढ लेंगे तो इस ऑयल को ख़रीदने के लिए हमें पैसे चाहिए, ताकि हम इसको पैसे दे सकें और इससे पैसे दे के इससे ऑयल ख़रीद सकें। तो मतलब भाई साहब ये बंदा इसमें थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड सा दिखाया है। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपना यू यू से पैसे लेता है और वहाँ जाके अपना रैमन वगैरह खाता है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी तीन बंदों की टीम, योक्यू और अपना क्रोम और कोहाकू, ये तीनों के तीनों भाई साहब ऑयल फील्ड ऑयल माइन करने के लिए जो कि जगह शेंकू ने बताई होती है उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं पे अपने योक्यू को एकदम से, जो कि बंदे की हीरिंग पावर बहुत ही ज़्यादा सही है, वो एकदम से उसको वाटरफॉल सुनाई देता है। तभी अपनी कोहाकू पर पेड़ पर चढ़ के देखती है कि हाँ मेरे को वहाँ भी वाटरफॉल एक दिखाई दे रहा है। और तभी तीनों के तीनों उस वाटरफॉल के पास जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि भाई साहब ये तो नायग्रा फॉल की तरह हो रखा है, और उसी के पास एक माउंटेन होता है जिसको कि वो माउंट फूजी भी बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि जैसा शेंकू ने बताया मैप में वैसा तो अभी कुछ भी नहीं है। तो शेंकू जो मैप लेके घूम रहा है वो 3700 ईयर्स पुराना है, इतनी देर तक ये लोग ऑलरेडी स्टोन एज में चले गए थे, स्टोन बन गए थे। तो उस वजह से अपना शेंकू आगे बताता है कि मेरे को समझ आ रहा है कि ये ठीक है, अच्छा है ये बात है। तो मतलब जो माउंट फूजी है वो उसके बाद इरप्ट होता है, कहने का मतलब ज्वालामुखी फूटता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि सारा वहाँ पे जो मैप का ज्योग्राफिकल होती है वो सारी चेंज हो जाती है। तो जिस वजह से अब शेंकू क्या सोचता है कि अभी ठीक है, अब हमें फिर से एक नया मैप बनाना पड़ेगा, मतलब अभी जो करंट जगह है उसको देख के हमें एक नया मैप बनाना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं नया मैप कैसे बनाए। तभी अपनी सुई का जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो बोलता है कि काश हम पंछी की तरह होते हैं, हम ऊपर से उड़ के सब कुछ देख लेते कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। वहीं पे शेंकू को अपने को एक आइडिया आता है और वो बोलता है बहुत ही बढ़िया सुका, अब वो सबको बताता है कि अभी हम हवा में उड़ेंगे। तो ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, हम हवा में कैसे उड़ेंगे। तो वहीं पे शेंकू के दिमाग में जो आइडिया होता है वो होता है कि हम हॉट एयर बैलून बनाएंगे, हॉट एयर बैलून बना के हम लोग हवा में उड़ेंगे और सब जगह को मुआयना करेंगे ऊपर से, और उससे हम एक आज के टाइम का ज्योग्राफिक मैप बनाएंगे। उसके बाद अपने शेंकू बोलता है कि ठीक है अभी सब लोग हैंप इकट्ठा करेंगे, हैंप मतलब वही घास। तो उसके हैंप से इकट्ठा करने से क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि इस हैंप का क्या करेंगे, इस हैंप से हम लोग क्लोथ बनाएंगे, मतलब थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड से हम क्लोथ बनाएंगे जिससे कि हम हॉट एयर बैलून बनाएंगे। तो उसके बाद अपना जो इसमें एक शानदार करेक्टर है गैन, तो वो गैन क्या होता है एक तरह से मतलब लोगों के ना माइंड से खेलता है। तो वो अपने जो दूसरा यूई वगैरह है उन्होंने ऑलरेडी ड्रैगो करेंसी को बहुत ज़्यादा कमा लिया होता है। तो वो उसको जाके बोलता है कि अगर ऑयल फील्ड ही ना मिली तो तुम लोग किस पैसे का क्या करोगे, और तुम्हें अगर ऑयल फील्ड ढूंढनी है तो हमारी हेल्प करो कि मतलब हमें ये घास इकट्ठी करने में। तो ये सब उसके साथ लग जाते हैं घास इकट्ठी करने में, और उसके बाद वो घास से वो लोग थ्रेड बनाते हैं जो कि मतलब यूजीहा ओगावा जो होती है वो एक मतलब इसमें दिखाई है कि जो कपड़े सिलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है। तो इसकी हेल्प से वो लोग थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से वो कपड़े बनाते हैं। बट कपड़े बनाने के लिए उनको कपड़े बनाने वाली मशीन भी चाहिए। तो वो शेंकू से रिक्वेस्ट करती है कि तुम लोग हमें कपड़े बनाने वाली मशीन बना के दो। तो वहीं पे अपना शेंकू और अपना कासे की इसको एक सेमी ऑटोमेटिक हैंडक्राफ्टेड इसको एक मशीन बना कर दे देता है, जिससे कि वो लोग ये कपड़ा बनाती है और उस कपड़े से ये लोग बनाते हैं आगे हॉट एयर बैलून, जो कि आप वीडियो में देखोगे बड़ा मज़ा आ रहा है।
क्या आगे एक और मुसीबत आ जाती है कि सब लोग थक जाते हैं इतना थ्रेड बना बना के, तो वहीं पे अपना गैन क्या करता है, गैन बाकी और जो साथ में होते हैं उनको जाके बोलता है कि जो भी सबसे लंबा थ्रेड बनाएगा उसको हम 10,000 ड्रैगो देंगे। बट उसके बाद अपने सेंकू इसको पूछ, तो सब भी थ्रेड बनाने में लग जाते हैं। तो उसके बाद अपने सेंकू गैन को पूछता है कि अच्छा तो हमारे पास 10,000 ड्रैगो कैसे आएंगे, तो वहीं पर अपना गैन बोलता है कि हम क्या करेंगे, हम यूजीहा को बोलेंगे तुम अपने इस कपड़ों से फैशन बनाओ, मतलब नए नए क्लोथ्स बनाओ ताकि लोग उसको खरीदें, और जिससे लोग उसको खरीदेंगे हमें पैसा आएगा, तो हम उस पैसे से ये लॉटरी भी निकाल देंगे और हमारे ऑयल के लिए भी पैसे इकट्ठे हो जाए। तो वहीं पे अपनी यूजीहा एक तरह से फैशन डिज़ाइनर बन जाती है, वहाँ पे ऑलरेडी होती है ये, तो ये वहाँ पे एक फैशन शो सा भी दिखाया जाता है इस एपिसोड में, और इसमें मतलब नए नए कपड़े से दिखाए जाते हैं जो कि उसके बाद वहाँ पे स्टॉल भी लगती है, मार्केट भी लगती है, जिसमें कि लोग कपड़े खरीदते हैं और जिससे कि इनको पैसे आ जाते हैं गैन को क्या सारी इनकी पार्टी को। और उसके बाद अपना फिर आगे हॉट एयर बैलून उनके लिए जो कपड़ा होता है वो लोग सब सीन ले उड़ते हैं। तो तभी अपने शंकू को जो अपनी यूजीहा होती है वो पूछती है कि अब हमें कितना लंबा कपड़ा चाहिए, तो वहीं पे अपना शंकू सारा दिमाग लगा के अपना उसको बताता है कि हमें इतने मीटर का कपड़ा चाहिए। तो वहीं पे अपनी यूजीहा और उसकी बाकी टीम मिलके उतने मीटर का उसको कपड़ा बना के देती है, जिससे कि वो लोग हॉट एयर बैलून बना लेते हैं। और उसके बाद हॉट एयर बैलून बनाते ही अपना, तो उसके बाद बैलून बनाने के बाद उसके बाद एक नया आगे मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब इस बैलून को उड़ाने के लिए भी हमें कैसा बंदा चाहिए जिसको कि हवा की डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, जो कि अपने रियुसुई को पता होता है, मतलब रियुसुई जिसको इन्होंने अभी अभी फिर से ज़िंदा किया पत्थर से। तो उसके बाद अपना गैन ने वहाँ पर बहुत अच्छी चाल चलता है, अपना गैन क्या करता है कि एक कंपटीशन रख देता है कि मेरे हाथ में इतने सारे कार्ड हैं, इसमें सिर्फ दो जोकर्स वाले कार्ड हैं, शंकू तो जाएगी तो बाकी उसके साथ जाने के लिए दो बंदे चाहिए, जिसकी लॉटरी लग गई वो शंकू के साथ जाएगा। तो उसके बाद क्या करता है, वो रियुसुई को बोलता है कि ठीक है तुम भी अपनी थोड़ी सी लॉटरी लगा के देख लो, तो वो ऑलरेडी एक कार्ड को आगे रखता है और रियुसुई को लग जाता है पता कि अच्छा तो ये मेरे को ऐसे करके फंसाना चाहता है। तो उसके बाद वो कार्ड निकालता है बट वो जोकर का कार्ड नहीं होता, तो वहीं पर अपने गैन उसको फिर से बोलता है कि पता नहीं अब तुम्हारी किस्मत नहीं चली तो क्या कर सकते हैं, मेरे को तो यही था कि मैं अब पहला इंसान बन जाऊंगा जो कि हवा में यहाँ पे उड़ेगा, हवा में उड़ने वाला। तो ये सुनकर अपना रियुसुई ही थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो बंदा बोलता है कि मैं ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारी ये टिकट खरीद लूँगा, जोकर वाली जो कि गैन के पास होती है। और उसके बाद इस चीज़ के बारे में दूसरी तरफ अपने क्रोम को भी पता लग जाता है कि ये लोग हवा में उड़ने वाले हैं, तो क्रोम अपना दूसरे विलेज से भाग के यहाँ पे आता है फटाफट और बोलता है कि मैं भी अपना लक आजमाऊंगा, मैं भी टिकट निकालूंगा। और यहीं पे अपना गैन उसको बड़ी आसानी से एक कार्ड थोड़ा सा आगे करके रख देता है, जिसको कि अपना क्रोम निकाल लेता है और वहीं पे अपना क्रोम भी जीत जाता है। तो उसके बाद ये तीनों बंदे जाते हैं हॉट एयर बलून में हवा में उड़ने के लिए। उसके बाद ये लोग तीनों बैठते हैं उसमें, कोल डालते हैं और वही जैसे कि हॉट एयर बलून ने तो उड़ना ही था। तो उसके बाद ये तीनों बंदे हवा में उड़ते हैं और वहीं पे ऊपर जाती है अपना क्रोम उगते हुए सूरज को देख के बड़े ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है नीचे वालों के लिए तो अभी भी रात ही है। तो यहाँ पे अपना शंकू उसको बोलता है कि हाँ तुम इतनी हाइट पे आ गए हो कि तुम उनसे 7 मिनट आगे चल रहे हो उनके तुम्हारे लिए टाइम। तो वहाँ पे अपना क्रोम देख के बोलता है कि हाँ मैं मान चुका हूँ कि जो अपनी अर्थ है वो वाकई में ही गोल है। और उसके बाद ये सब देख के अपना क्रोम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए सब कुछ एक नया ही था। उसके बाद अपना क्रोम उनको पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो वो दोनों बोलते हैं हम इशिगामी विलेज जा रहे हैं। तो क्रोम सोचता है भाई साहब उसको जाने के लिए तो 2-3 दिन लग जाएंगे, बट यहीं पे अपना शंकू बोलता है कि हम सिर्फ 2 घंटे में ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर अपना क्रोम बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है और हैरान भी होता है कि हम हवा से इतनी जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ पर हवा में उड़ के। उसके बाद यहाँ पे अपना क्रोम पूछता है कि यार ये विंड तो दूसरी साइड फ्लो कर रही है तो हम इस साइड को कैसे जा रहे हैं। तो यहीं पे अपना रियुसुई इसको समझाता है कि एक विंड का एक वर्लपूल की तरह होता है, इस साइड को तो कोई भी आसानी से जा सकता है बट हम वेस्ट साइड को कैसे जा रहे हैं कि हम उस वर्लपूल के बाहर बाहर की तरफ घूम के वहाँ से उस विलेज में पहुँचेंगे, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाली है। तभी ये लोग आसानी से जा ही रहे होते हैं, सामने भाई साहब आ जाता है इनके लिए एक बहुत ही बड़ा तूफान, मतलब एक ड्रैगन टाइप का इसमें फेस दिखाया बट एक तरह से इनके लिए वो तूफान ही है। तो तूफान में अपना हॉट एयर बैलून के लिए इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो वहीं पे अपना आता है यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्शन सा सीन, ये तीनों लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं तो ये तीनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। बट एंटर करने से पहले क्या होता है कि अपने शंकू एक बार सोचता है कि ठीक है हम हवा बंद गैस बंद कर देंगे तो हम नीचे उतर जाएंगे, बट वो जैसे गैस बंद करने लगता है
तो क्या होता है कि ऊपर ऑलरेडी एक छेद हो चुका है जो कि पंछियों ने कर दिया होता है उनके ऊपर छेद उसके हॉट एयर बैलून में, तो उसमें से गैस ऑलरेडी निकल रही होती है, तो वो क्रोम को रोक देता है कि अगर तुम बिल्कुल ही फायर बंद कर दोगे या मतलब वो स्ट्रिप खींच दोगे गैस निकालने के लिए तो फट भी सकता है हॉट एयर बैलून, तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो इसकी बजाय क्या होता है कि वो तीनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं अपने हॉट एयर बैलून के साथ उस पूरे के पूरे बवंडर के अंदर। तो वहाँ पे वो तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बट वहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों अपना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बट तभी वहाँ पे अपने क्रोम का थोड़ा सा दिमाग चलता है। क्रोम बोलता है कि मैं इतनी तेज़ आग जलाऊंगा कि हम लोग इससे भी ऊपर उठ जाएंगे, इस तूफान से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो वहीं पे उन दोनों के दिमाग में ये चीज़ ट्राई कर जाती है सेंकू और रियुसुई के, तो वो इससे बड़ा ही ज़्यादा खुश होते हैं अपने क्रोम के इस आइडिया से। तो वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है हम यही करेंगे। तो उसके बाद वो लोग कोल डालने लगते हैं, बट तभी वहाँ पे अपना सेंकू बोलता है कि नहीं हम कोल से भी ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ डालेंगे जो कि होता है इसमें रिवाइवल फ्लूड। जो रिवाइवल फ्लूड होता है वो नाइट्रिक एसिड प्लस इथेनॉल से बना होता है, तो इथेनॉल बहुत ही ज़्यादा जलता है और नाइट्रिक एसिड भी आप लोगों को पता ही है। तो सेंकू पूरी की पूरी बॉटल उसमें फेंक देता है जिससे कि एकदम से बहुत ज़्यादा आग लगती है और अपना हॉट एयर बैलून एकदम से हवा में बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ उस बवंडर से बाहर निकल जाता है, जिसको देख के अपने तीनों ही कैरेक्टर्स मतलब तीनों बंदे अपने खुश हो जाते हैं। और उसके बाद भाई साहब अपने तीनों कैरेक्टर अपने शिकामी विलेज पहुंच जाते हैं, जहां पे कि अपनी जो लड़की होती है कोहाकू वो उनको बड़ी दूर से ही देख लेती है ऊपर से, और दूसरी तरफ अपने बाकी सब बड़े ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वो लोग दो घंटे में वहाँ पर पहुँच भी गए, तो यहीं पर ये लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द पावर ऑफ द साइंस। उसके बाद अपना जो एक एरो वाला लड़का होता है यूक्यू, वो अपने गैन से पूछता है कि तुमने स्टार्टिंग में इन तीनों से क्यों ड्राइंग बनाई मतलब बोर्ड की, जब तुम्हें पता ही था कि सेंकू की सबसे अच्छी ज़्यादा ड्राइंग होने वाली है। तो वो बोलता है कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि सेंकू हमारे लिए सही है, तो मैं उनको कंपेरिजन करके दिखा रहा था कि हाँ ठीक है तुम मतलब जब कंपेरिजन होगा तो जो सेंकू की ड्राइंग होगी वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, तो इससे उनके ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। तो ये सुन के अपना वो एरो वाला बंदा बड़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और बस यहीं पे हमारा ये आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एक तरह से बहुत लंबा एपिसोड है एक घंटे का, तो मतलब दो एपिसोड्स को कंबाइंड किया हुआ है। तो भाई साहब ये आगे सीज़न बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला है, आप सब लोग मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे मैड, बाय बाय एनिमे लवर्स, सायोनारा।